नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम में और आप नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो कि बिल्कुल मुफ्त है। अगर किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कोई धार्मिक स्थल मौजूद हो और आपको अचानक पता चले कि जहां आप खड़े हैं वो इबादत वाली जगह है तो उस समय आपको कैसा महसूस होगा। कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म पर रोजाना सैकड़ों लोगों के साथ होता है। जब उन लोगों को पता चलता है कि जहां वो जूते चप्पल पहनकर खड़े हैं, वो मत्था टेकने की जगह है तो लोग ऊपर वाले से माफी मांगने लगते हैं। बता दें कि कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 के बीचों बीच एक 15 फीट लंबी और 2 फीट चौड़ी जगह को सफेद रंग से पेंट किया हुआ है। ये जगह हर गुरुवार को एक धार्मिक स्थल के रूप में तब्दील हो जाती है और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। बताया जाता है कि यहाँ एक काफी लंबे अरसे से एक मजार मौजूद है। प्लेटफॉर्म पर बाकायदा बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा है हजरत सैयद लायन शाह बाबा मजार, प्लेटफॉर्म नंबर 3, कृपया सफाई का विशेष ध्यान रखें। वहीं इस मजार से जुड़ी कहानी भी काफी दिलचस्प है। मजार की देखरेख करने वाले मौलवी रहमत अली के मुताबिक करीब 50 साल पहले जब यहां रेल की पटरियां बिछाने का काम शुरू किया गया था तब दिन में यहां पटरियां बिछाई जाती थीं, लेकिन जब अगले दिन आकर देखा जाता तो पटरियां खड़ी हुई मिलती थीं। उस समय लोगों का मानना था कि कोई रूहानी ताकत रात में पटरियां उखाड़ देती थी। रहमत अली ने बताया कि पटरियों के उखड़ने का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। तभी यहां काम करने वाले एक वर्कर को सपना आया कि अगर यहाँ एक मजार बना दी जाए तभी पटरियां बिछाने का काम सफल हो सकता है। इसके बाद मजार का निर्माण कराया गया। उन्होंने कहा इसके बाद से यहाँ आकर लोग मन्नतें मांगने लगे और लोगों की मन्नतें पूरी भी होने लगी। फिर क्या था, लोगों की आस्था लगातार बढ़ने लगी और अब ये आलम है कि हर गुरुवार यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। लेकिन यहाँ की समस्या ये है कि जितनी देर इबादत चलती है यात्रियों की सुविधाएं भी प्रभावित होती हैं और इबादत समाप्त होने के बाद मजार का सम्मान शोटेल होता है, क्योंकि सामान्य दिनों में लोगों को यह मालूम नहीं होता है कि जिस जगह के ऊपर वे खड़े हैं या आ जा रहे हैं उसके नीचे कोई मजार है। ट्रेन से उतरते हुए यात्रियों का पहला कदम मजार के ऊपर नहीं पड़ता है।